हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आऊँ आपके लिए एक अनदर वीडियो। दोस्तों, आप ही में से काफी सारे लोग ये सवाल कर रहे थे कि सर, अगर मेरा फोन चोरी हो जाता है, अगर वो ईएमआई पे है या मैंने फाइनेंस पे ले रखा है, चोरी हो जाने वाले केसेस पे अगर उसका जो रिमेनिंग ईएमआई है, अगर मैं उसको पे नहीं करता हूँ तो उस केस में क्या हो सकता है, या मैं उसको पे करूँ कि नहीं करूँ। आज मैं वही चीज आपको क्लियर करने वाला हूँ। थोड़ा सा आप जो है इस बात को समझिए दोस्तों, कि अगर आपने एक फोन खरीदा और उसकी ईएमआई आपने 6 महीने के लिए बना ली या 12 महीने के लिए आपने बना ली, और वो दूसरे या तीसरे महीने में चोरी हो जाता है, तो उस केस में आप ये समझिए कि वो फोन चोरी हो गया, तो उस पे फाइनेंसर की क्या गलती है। वो गलती है आपकी। आपने फाइनेंस पे फोन लिया था, जब आपने फाइनेंस कराया तो फाइनेंसर ने आपसे ये नहीं पूछा कि आपका जो है फोन चोरी हो जाएगा या कुछ हो जाता है तो क्या आप मेरे को पेमेंट नहीं करेंगे। उन्होंने जो भी पेमेंट था वो तो उस कंपनी को दे दिया। अगर आपने 10,000 का फोन परचेज किया या 50,000 का फोन परचेज किया, आपने 5,000 रुपये दे के 45,000 रुपये का ईएमआई बनवा लिया। अब 45,000 में से आपने सिर्फ 4,000 रुपये पे किया, लेकिन उस कंपनी में, मतलब उस जो फाइनेंसर था, उसने तो उस कंपनी को सारे पैसे पे कर दिए, और आपने फाइनेंस में फोन ले लिया और आप उसका यूज कर रहे हैं। 3 महीने की ईएमआई पे कर देने के बाद फोन चौथे महीने में आपका चोरी हो जाता है। तो दोस्तों, यहां पर देखिए, आप ही को प्रॉब्लम होगी, फाइनेंसर को कुछ भी नहीं प्रॉब्लम होगी। अब ये समझिए, आप जानते होंगे सिविल स्कोर के बारे में। आप अगर कहीं पर फाइनेंस कराने जाते हैं तो वो आपका सिविल स्कोर जरूर फाइनेंसर चेक करता है कि आपने लास्ट आपका क्या क्रेडिट हिस्ट्री है, कैसे जिससे भी आपने फाइनेंस कराया उसका आप टाइमली पेमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब आपने फोन आपकी चोरी हो गई, आपने पेमेंट नहीं की, तो उस केस में आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा। 1,500 रुपये की ईएमआई या 2,000 रुपये की पर मंथ की ईएमआई की वजह से कल की डेट में आपको 3 या 4 लाख का जब आपके लोन की जरूरत पड़ेगी तो वो लोन लेने में आपको प्रॉब्लम होगी। कोई भी फाइनेंसर आपको लोन नहीं देगा। बैंक आपका लोन, जो आपका एप्लीकेशन आएगा, वो रिजेक्ट कर देगी। तो इस रिजेक्शन से बचने के लिए, अगर आपका फोन चोरी भी हो जाता है या कहीं पर आपके फ्रेंड सर्कल में कहीं चोरी हो गया या लॉस हो गया या टूट फट गया या डैमेज हो गया या फोन आप वर्किंग में नहीं है, तो उस केस में जो भी उसका रिमेनिंग ईएमआई है आप उसका पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट कर देने में आप ही का भलाई है। कल के डेट में आपको 4 लाख की लोन की जरूरत पड़ गई या 5 लाख की लोन की जरूरत पड़ गई, आपका सिविल स्कोर बिल्कुल डाउन हो चुका है, जो आपने गलती की कि मेरा फोन चोरी हो गया है, अब मैं इसका पेमेंट नहीं करूंगा, और वो गलती की वजह से आज आपका 5 लाख का लोन रुका हुआ है और आप पेमेंट बैंक आपको नहीं दे रहा है, वो कह रहा है कि आपका सिविल स्कोर खराब है, तो आप ये समझ लीजिए कि 2,000 और 500 के चक्कर में जो आपका पर मंथ का ईएमआई था और आज आपका 5 लाख का लोन रुक जा रहा है। तो इसलिए ऐसी गलती ना करें। अगर आपका फोन चोरी हो गया है तो आपका सबसे पहला मोटिव यह होना चाहिए कि मैं उसका पेमेंट पूरा कर दूं, भले ही धीरे धीरे करके हर महीने कर दूं, लेकिन उसका टोटल आप आउटस्टैंडिंग पे कर दीजिए ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फाइनेंसर ने जब लोन देते वक्त ये नहीं सोचा था कि आपका फोन चोरी हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपका सिविल स्कोर देखते हुए, आपकी इनकम देखते हुए, उन्होंने आपको फाइनेंस आपके फोन पे कर दिया। अब यहाँ पर आपका मोटिव बनता है दोस्तों कि आप उसका पेमेंट आप कर दें ताकि आप भी फ्यूचर में लोन ले सके। अगर हाँ, आपके पास काफी पैसा है, आपको लगता है कि मेरे को फ्यूचर में कोई लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही क्रेडिट कार्ड लेने की जरूरत पड़ेगी, तो आप भले ही ना पेमेंट करें, कुछ नहीं होगा, आपका ज्यादा से ज्यादा सिविल खराब हो जाएगा। आपका सिविल खराब हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि फ्यूचर में लोन लेने की जरूरत आपको अगर पड़ती है तो प्रॉब्लम हो सकता है। अगर नहीं पड़ेगी, आपके पास काफी पैसा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मत पे कीजिए, कोई कुछ आपका नहीं कर सकता, आपका सिविल स्कोर सिर्फ खराब होगा। तो ये था जो आज का वीडियो मैं बना रहा था, कि जो साफ काफी लोग पूछते हैं ये सवाल, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था कि अगर आप अपने फोन या टीवी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम का अगर आप ईएमआई पे नहीं करते तो एक्चुअल में क्या हो सकता है, तो उसी में काफी सारे लोग सवाल कर रहे थे कि अगर चोरी हो जाए तो उस केस में मैं क्या करूं। तो चोरी हो जाए उस केस में आपको पेमेंट करना ही चाहिए ताकि फ्यूचर में आपको लोन लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।